हाँ गंदे 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 काम तुम्हारे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब ठीक ठाक होंगे। तो अभी जो है मैं बाहर की तरफ निकली हूँ, ये बारिश हो रही है बाहर, अनएक्सपेक्टेड रेन। आपको ड्रॉप्स नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे से। अभी मैं अपने गार्डन में आई हुई थी, मैंने सोचा पकौड़ों शकोड़ों के लिए जो है मैं कुछ ग्रीनरी शीनरी इकट्ठी करूं, लेकिन ये मेरा आज का प्लान था कि मैं आज पकौड़े नहीं बना के दूंगी अपने घर वालों को, क्योंकि हम लोग फ्राइंग चीज़ें कुछ ज़्यादा ही खा रहे हैं और ये ज़्यादा सेहत के लिए नहीं अच्छी। तो आज बैन लगेगा पकौड़ों के ऊपर। मेरी सिस्टर जो है पुदीना और धनिया इकट्ठा कर रही है और मैं जो है तोड़ रही है। तो ये फूलों की वीडियोस बना रही हूँ। बाजी ये क्या है? ये भी तो है ना, ये तोड़ो। ये वो गंदा वाला। अच्छा, ये वो मेरे हाल में जो ज़्यादा तेज सा फ्लेवर नहीं आता, गंदा सा, ये वो है। मैं जब भी आती हूँ तो अपने इन फूलों की जो है मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। आज मेरे भाई का ACCA का पेपर था, बहुत मुश्किल था, फाइनेंशियल अकाउंट का पेपर था उसका। हम सुबह से जो है टेंशन में थे कि पता नहीं उसका क्या बनेगा, पास होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 60% से पास हो गया। हम लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए खुश हैं। तो रात को वो मुझसे चिकन मांग रहा था कि चिकन वगैरह बना के दो। मैंने कहा यार खा लो, पता नहीं सुबह तुम खुदा ना हास्ता फेल हो जाओ तो पता नहीं खाने के काबिल रहोगे भी कि नहीं, तो ये खा लो अभी से। तो माशाल्लाह से वो पास हो गया, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है। तो शायद हम लोग कुछ मिठाइयाँ शिठाई भी साथ में मंगवाएं, कि उसकी अपनी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको टेम्परेचर हो गया था टेंशन से और वो वॉमिटिंग लग गई थी। रोज़ा भी था उसका, तो ये कि रोज़ा तो खैर से अल्हम्दुलिल्लाह उसने रख लिया था, लेकिन बाकी कह रहा था कि मुझे ना टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा कि क्या होगा, मेरा बहुत मुश्किल पेपर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पास हो गया। और इतनी कोई जो है मज़े की बारिश हो रही है मेरे ख़्याल से, हाँ हल्की हल्की धूप भी है और बारिश भी हो रही है। मैं आपको रोज़ अपने गार्डन का टूर करवाती हूँ, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम जो अपने गार्डन में ही होता है, पकौड़ों के लिए चीज़ें इकट्ठी करनी होती हैं, तोड़नी पड़ती है मेरा मतलब। तो यहाँ पे जो है हम लोग धनिया वगैरह तोड़ रहे हैं। ये हम लोग चाट में व्हाट इज़ दिस वगैरह, चाट में हम लोग धनिया डालेंगे। तो सालन अगर बनाना हो तो उसमें डालेंगे। सालन आज क्या पका रही हो बाजी? कुछ भी नहीं, बताओ ना मुझे क्या पता, जो तुम लोग कहोगे। चिकन तो रात को हमने बना लिया था, कोई लाइट सी चीज़ आज होगी, क्योंकि आज पकोड़े भी नहीं है। वो कचौरी लाइट जैसा। हाँ कचौरियाँ, ये कह रही कचौरियाँ बनाएंगे। मैंने कहा चलो यार ठीक है, लेकिन फ्राई नहीं करना उसको, बेशक ओवन में बना लो लेकिन फ्राई नहीं करना। मैं भी समोसे जो है बिल्कुल लाइट सा ऑयल लगा के ना तवे के ऊपर फ्राई करूँगी। ये धनिया बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बड़ा हो गया, और पूरे जो स्ट्रीट के लोग हैं ना वो यहाँ से आके हमारे गार्डन से साग वगैरह सारा तोड़ते हैं, धनिया पुदीना सब कुछ। बाजी ये क्या है? बस चीरी। ये किस चीज़ के फूल है ये वाइट वाइट? मूले 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 का सीज़न नहीं गुजर गया? मूली का सीड्स है। अच्छा ये मूली के फूल है, मुझे लगा ये वैसे ही कोई फूल छूल निकले हुए। अच्छा ये मूली के, वैसे हम पूरे सर्दियाँ मूलियाँ शूलियाँ खाते रहते हैं अपने गार्डन से तोड़ के, तो ये मैं कह रही हूँ कि शायद सीड्स वगैरह है या क्या है। और ये क्या कहते हैं उसको, सलाद के पत्ते, ये भी हम लोग जो है सालन के साथ रख देते हैं, अब वो खाते हैं जो अफ्तारी में जो हमारा सालन होता है। ये प्याज के पत्ते हैं, ये भी हम लोग डालते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। ये वाले फूल भी माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं, येलो येलो, पूरा गार्डन येलो येलो।
यल्लो यल्लो ये हमारे साथ वालों का गार्डन है। तंग नहीं करो मुझे, तुम वो तंग करती हो। अच्छा ना, धनिया भी नहीं तोड़ सकती। हाँ तो ये जो है क्या तोड़ रही हो? धनिया। धनिया तोड़ रही है। ये हम लोग चटनी में इंशाल्लाह डालेंगे। ये धनिया है। वाह यार, इतनी कोई मज़े की बारिश हो रही है ना, हल्की हल्की सी, इतना मज़ा आ रहा है। रात को इतनी गर्मी होती है ना, मैंने तो आज पंखा लगा लिया। मैंने कहा नहीं यार, बहुत साफ गर्मी है। मुझे लगा था कि ये जो मेरी सिस्टर है ना, ये मेरा गला दबा देगी सोते हुए कि तूने पंखा क्यों लगाया। लेकिन ये है कि इसको भी मेरे ख्याल से गर्मी लगी थी, कुछ कहा नहीं इसने। माशाल्लाह यार, ये वाले फ्लावर्स जो है ना, बस मेरा दिल ले गए। ये हमारी मुर्गियाँ हैं और ये ओए बेड के ऊपर चढ़ी हुई है। हाँ हाँ, गंदे 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 काम तुम्हारे। बैठे रहो बैठे रहो, ओ बैठे रहो, चिल। ये हमारी दूसरी मुर्गी, वो मुर्गा है और ये मुर्गी है। ओहो की हो गया, किधर भाग रही हो? मैंने क्या कहना है तुम्हें? ये इन्होंने इतना गंद मचाया है, कसम से हमारे ऊपर वाले जो छत है ना, गंद से भरी होती है। वो दूसरी किधर गई है? वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। हाय, ऐसी जगह पे चढ़ते क्यों हो? बस ठीक है ठीक है। उई उई। अच्छा आज बन रही है कचौरियाँ। ये कचौरियाँ का सामान जो है किधर गई? ये रही, मुझसे गो हो गई थी। तो ये जो है उसके लिए आटा बन रहा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम खो गए? मैं खा गया मणे अभी। ओहो, अफ्तारी कर रहा है? बड़ी बात है। मुबारक हो हमजा, तुम्हारे एसीसी का पेपर पास हुआ है यार। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुमने 60% लिए हैं। खैर मुबारक को कहो ना। अच्छा इतनी काफ़ी है? हाँ इतनी काफ़ी है। आज मैंने पकोड़े नहीं बनाने, मैंने उनको कहा मैं आज पकोड़े नहीं बनाऊंगी, ये बर्तन धुले हुए पड़े हैं। अच्छा तुमने नहीं धोए अम्मी ने? हाँ मैंने नहीं धोए। तो मैंने वैसे आज जो है सिर्फ क्या पका रहे हैं, दही फुलकियाँ बनानी है, साथ में मैंने चना चाट बनाना है, और बस मेरे आज ये दो काम करूँगी। ये हमारी दो खजूरियाँ खैर से बन गई है। आज हम इसको इंशाल्लाह खजूरियाँ खजूरियाँ बेक करेंगे। ये दही हमने घर पे बनाया है, माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है। पानी तो अभी फ़िलहाल इसके ऊपर ऊपर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर नीचे हुआ तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ ये बहुत फिट बना है। ये भी हम दही फुलकियाँ बनाएंगे, इसमें चटनी भी बनाएंगे इंशाल्लाह। अफ्तारी के बाद जो है काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। वैसे पहले जो दिन का टाइम था उसमें कम कम ही हो रही थी, लेकिन ये है कि अफ्तारी के बाद बहुत तेज़ हो गई है। ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा बारिश से, बाहर अंधेरा बहुत है इस वजह से नज़र नहीं आ रही। ये ईंट हमने रखी हुई ताकि हम लोग यहाँ अगर टावल वगैरह कुछ भी बिछाना हो ना तो वो उड़ ना सके, तो इसके ऊपर हम लोग ये ईंट रख देते, इससे हमने शॉपर बांधा हुआ। तो चलो इसी के साथ हम लोग अपना व्लॉग भी एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।